सदन में सरकार को महिला अपराधों पर आईना दिखाने वाले बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं। भीलवाड़ा में बीते दिनों 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप के बाद उसे कोयला भट्टी में जलाने के मामले को लेकर गहलोत सरकार कटघरे में है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को घेरने वाले राजेंद्र गुढ़ा और बीजेपी के सांसद रामचरण बोहरा को नोटिस मिल गया है। नोटिस भेजा है राजस्थान बाल संरक्षण आयोग ने और वजह बताई गई है की पीड़िता का नाम और पहचान सामने लाने की। बाल संरक्षण आयोग ने कहा है कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना कानूनी रूप से अपराध है और इसी तरह के कृत्य करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इससे प्रदेश के लोगों में जागरूकता का संदेश जाएगा। दरअसल राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भीलवाड़ा नाबालिग गैंगरेप पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर फोटो और नाम पोस्ट कर दिया था। गुढ़ा ने अपने इस पोस्ट में मंत्री शांति धारीवाल के मर्दों के प्रदेश वाले बयान के शब्द भी लिखे थे। गुढ़ा के साथ ही बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने पोस्टर में नाबालिग पीड़िता की फोटो लगाकर कैंडल मार्च निकाला। इसके बाद राजस्थान बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया और राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि किसी भी नाबालिग पीड़िता की पहचान जैसे कि नाम, घर का पता, फोटो इत्यादि उजागर करने पर दंड का प्रावधान है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 की धारा 74 के तहत ऐसा करने वालों को 6 महीने से 1 साल की कठोर कारावास के साथ 2,00,000 रुपए का अर्थदंड और दोनों का प्रावधान है। बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी इलाके में 14 साल की नाबालिग बकरियां चराने गई थी। नाबालिगा पर पहले से बुरी नजर रखने वाले आरोपियों ने दुष्कर्म किया। सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उसे कोयले की धधकती भट्टी में डालकर जला दिया। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और वही गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर जोधपुर गैंगरेप मामले में भी संकट मंडरा रहा है। हाल ही में जोधपुर पुलिस गुड़ा के फार्म हाउस पर पहुंची थी और कहा जा रहा है कि नाबालिगों से रेप करने वाले आरोपी यहीं रुके थे। फिलहाल दोनों ही मामले को लेकर गुड़ा गहलोत सरकार के निशाने पर है। यह भी बता दें कि राजेंद्र गुड़ा कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे करीबियों में हुआ करते थे, मगर बीते 1 साल से उन्होंने अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और सचिन पायलट का खुलकर समर्थन भी करने लगे थे। बीते दिनों ही विधानसभा में मणिपुर के मामले को लेकर कांग्रेस के हंगामे पर गुड़ा ने पहले राजस्थान के हालातों को देखने की कह डाली थी।